सुंदर बुड्ढा जो अपने आप को किसान हितैषी कहते हैं, हमने दो दो रुपए के मुआवजे पहुंचे थे खाए, वो दो दो रुपए के। झूठे वादे कर रहे हैं कि हम कच्चे कर्मचारियों को, ठेकेदारी प्रथा किसने शुरू की, एम्प्लॉइज का शोषण किसने करवाया, किसने ठेके पर रखे, हमने तो नहीं। ये एक अच्छी बात है कि राजनीति में एक पोस्टमैन भी आ गया है और सुरजेवाला जी अब उनकी कोई बात सुनता नहीं है, उनकी बात को तवज्जो नहीं कोई देता, तो इसलिए अब वो पोस्टमैन बन गए और अपनी बातों को पोस्ट कार्ड के जरिए कह रहे हैं। भूपिंदर सिंह हुड्डा झूठ और बेईमानी की दुकान है। आजकल ये झूठे वादे कर रहे हैं कि हम कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर लेंगे, ठेकेदारी प्रथा किसने शुरू करी, एम्प्लॉइज का शोषण किसने करवाया, किसने ठेके पर रखे, हमने तो फिर HKRN बनाकर ताकि कर्मचारियों का शोषण ना हो, जो ठेकेदार उनसे तनख्वाह से हर महीने पैसे लेता था उसको बंद करने के लिए हमने सिस्टम किया है, और जब समय आएगा हम भी इनका पक्का करने के बारे में सोच रहे हैं। और ये भूपिंदर सिंह हुड्डा खिलाड़ियों की बात करता है, ये एशियाड में जो खिलाड़ी मेडल जीत कर आए थे इसने उनको इनाम नहीं दिए, उनके इनाम खेल मंत्री बनने के बाद मैंने दिए, ये तो ऐसे ही भाग गए थे, इनको क्या हक है बोलने का। झूठ सारा दिन लोगों को पिलाते हैं लेकिन हरियाणा की जनता इनकी वास्तविकता को जानती है। मैंने आपको बताया ना, ना तो इन्होंने पद दिए और ना मेडल की जो राशि मिलती है वो दी, वो मैंने दिया। देखिए पिटे हुए खिलाड़ियों का जो भाषा का स्तर है वो गिर ही जाए, जब आदमी नीचे पड़ा होता ना तो उसकी जो भाषा पर संयम नहीं रहता, वही हाल उद्धव ठाकरे का है। ये राजनीति में पूरी तरह से पिट चुके हैं, तो हाय तौबा करना तो इनकी मजबूरी। जो आदमी पिट चुका है और नीचे पड़ा हुआ है, चिल्ला रहा है, उसका भाषा पर नियंत्रण नहीं रहता, ये पिटे हुए मोहरे हैं। आदमी अपने अपने नज़रिए से सोचता है, उन्होंने नायब सैनिक के फैसले का स्वागत किया है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और सरकार किसान हितैषी है, किसानों के लिए कदम उठाती है, पहले भी बहुत कदम उठाए, हमने देखी है कांग्रेस की सरकार भूपिंदर हुड्डा जो अपने आप को किसान हितैषी कहते हैं, हमने दो दो रुपए के मुआवजे बांटते देखा है इनको, दो दो रुपए के, और आज ये बातें करते हैं हमारी सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए का मुआवजा बांटा।